डियर स्टूडेंट्स लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में मैं ला रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये ला ऐसे है कि जब मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन करें तो उस वक्त उनके मासिस के बीच में रिलेशन जो है ये उसके बारे में है तो पहले हम इस लाभ को पढ़ेंगे द रेशो इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद ए फिक्स्ड वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट क्या मतलब हुआ कि जब दो एलिमेंट्स सेपरेटली किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन करें वो रेशो और जब वो दो एलिमेंट्स डायरेक्टली आपस में कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाएं तो दोनों रेशोस पहले वाली कौन सी पहले वाली पहले वाली वो रेशो जब दो एलिमेंट्स किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन करें वो रेशो और जब दो एलिमेंट्स आपस में डायरेक्टली कंबाइन करके कोई कंपाउंड्स बनाएं वो रेशो दोनों रेशोज़ या तो सेम होंगी या एक रेशो दूसरे रेशो का सिंपल मल्टीपल होगी मैं फिर पढ़ता हूं इस ला को द रेशो इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद ए फिक्सड वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट इज आइदर द सेम और इज ए सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशो इन विच दीज टू एलिमेंट्स कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर अब इस ला को इलस्ट्रेट करने के लिए समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो सबसे पहले एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के साथ सेपरेटली कंबाइन करके दो कंपाउंड्स बनाते हैं हाइड्रोजन कार्बन के साथ जब कंबाइन करती है तो मीथेन इज द कंपाउंड ऑक्सीजन कार्बन के साथ जब कंबाइन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द कंपाउंड तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन करके दो सेपरेटली दो कंपाउंड बना रहे हैं तो एट द सेम टाइम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे के साथ भी कंबाइन करते हैं और वाटर बनाते हैं ठीक है तो कम्बिनेशन को इसको बेटर तरीका ये है कि इस कम्बिनेशन को एक अगर ट्रायंगल की शक्ल में दिखाया जाए तो समझने में ज़्यादा आसान रहेगा ठीक है तो किसी एक थर्ड एलिमेंट का हम डेफिनेशन में ही पढ़ा हमने थर्ड एलिमेंट का मास हमें फिक्स करना होता है तो यहाँ हम फिक्स कर लेते हैं जनरली हम जो वेट फिक्स करते हैं थर्ड एलिमेंट का वन ग्राम फिक्स करते हैं जैसे कि यहां लेटस कीप वन पार्ट बाय वेट ऑफ कार्बन एज द फिक्स्ड वेट कार्बन का हमें वेट फिक्स कर दिया ठीक अब हम सेपरेटली दोनों कंपाउंड्स को लेंगे सबसे पहले हम लेते हैं मिथेन में मिथेन का अगर आपको पता है तो मालिकुलर मास सिक्सटीन है ट्वेल्व पार्ट्स इसमें कार्बन होता है एज पराटामिक मास फोर पार्ट्स बन गया हाइड्रोजन का मास तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ट्वेल्व पार्ट्स बाय वेट ऑफ कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन फोर पार्ट्स अब क्योंकि कार्बन का हमने मास वन फिक्स किया हो गया किया हुआ है तो हम देखेंगे वन पार्ट बाय वेट ऑफ कार्बन अगर कार्बन वन ग्राम है तो कितनी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगी तो ये फोर बाई होगा जीरो पार्ट बनेगा अब हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं दूसरा कंपाउंड जो ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बनाया यहां हम क्या करेंगे यहां क्या है सी पता है आपको ओ हो गया थर्टी पार्ट्स 32 क्योंकि ऑक्सीजन का टामिक मास 16 है इसमें 32 पार्ट्स ऑक्सीजन है तो ऐसे बोलते हैं हम 12 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कार्बन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इक्वल टू 32 पार्ट्स ये है कार्बन डाइऑक्साइड में सिचुएशन अब कार्बन का वेट थर्ड थर्ड एलिमेंट का वेट हमने वन ग्राम फिक्स किया हुआ है एज पर डेफिनेशन तो वन पार्ट बाय वेट ऑफ कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन थर्टी टू बाई ट्वेल्व इक्वल टू टू पॉइंट सिक्स सिक्स पार्टस ठीक है तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वेट्स के बीच में रेशो अब पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कार्बन के फिक्स्ड वेट है जो कितना रखा वन ग्राम उसके साथ जब कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की जो रेशो बनती है जीरो पॉइंट थ्री थ्री टू पॉइंट सिक्स एट ये रेशो बनती है वन इज टू एट पार्ट हो गया इसला का अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो वाटर बनता है तो उनकी आपस में कंबाइन करने की रेशो को हम देखेंगे तो एच टू एच टू में आपको पता है टू पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन सिक्सटीन पार्ट्स क्योंकि ऑक्सीजन सिक्सटीन अटोमिक मास है यहां और हाइड्रोजन यहां टू पार्ट्स बना तो टू पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इक्वल टू सिक्सटीन पार्ट्स तो क्या रेशो बनी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में कंबाइन करने की क्या रेशो बनी वन एट सो एच एंड ओ हैव कंबाइंड इन द रेशो ऑफ वन एट अब रेशो नंबर वन और रेशियो नंबर टू दोनों रेशो सेम है जिससे कि लाफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन इलस्ट्रेट हो जाता है प्रूव हो जाता है अब मैं दूसरी एग्जांपल लूंगा जिसमें के एक रेशो दूसरे रेशो का रेशो का सिंपल मल्टीपल होगी अब जैसे ये है सेकंड एग्जांपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेटली सल्फर के साथ जब कंबाइन करते हैं तो एच टू एस बनती है एच एस के साथ एस और ओ के बीच में सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड बनता है तो सबसे पहले मिलेंगे एच टू एस इन एच टू एस थर्टी टू बाई वेट ऑफ सल्फर क्योंकि सल्फर का एटॉमिक मास थर्टी टू है कंबाइंड विद हाइड्रोजन इक्वल टू टू पार्ट्स यहां भी हम क्या करेंगे हम क्या करते हैं सल्फर का पार्ट फिक्स सल्फर का वेट हम फिक्स कर लेते हैं वन ग्राम पर तो अब हम देखेंगे वन पार्ट बाय वेट ऑफ सल्फर कंबाइंड विद हाइड्रोजन इक्वल टू टू बाई थर्टी टू यह बन जाता है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव यार वन इज टू सिक्सटी इसी तरह सेकंड कंपाउंड लेंगे जो ऑक्सीजन ने सल्फर के साथ बनाया तो उसमें क्या है सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है थर्टी टू पार्ट्स बाई वेट ऑफ सल्फर कम्बाइन विद ऑक्सीजन इक्वल टू थर्टी टू पार्ट्स क्योंकि ऑक्सीजन का काटामिक मास सिक्सटीन है तो थर्टी टू पार्ट्स सल्फर के ऑक्सीजन के थर्टी टू पार्ट्स के साथ कंबाइन करते हैं फिर वही सल्फर का जो मैंने वेट फिक्स किया हुआ है वन पार्ट बाई वेट ऑफ सल्फर कम्बाइन विद ऑक्सीजन इक्वल टू टी टू बाटी टू इक्वल टू वन पार्ट तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की जो रेशोज हैं जबकि वो सल्फर के साथ सल्फर के फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन करते हैं वो रेशो बनती है वन इज टू सिक्सटीन यानी कि जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव इज टू वन वन इज टू सिक्सटीन ये एक पार्ट हो गया इस ला अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब डायरेक्टली आपस में कंबाइन करते हैं तो रेशो बनती है टू इज टू सिक्सटीन जैसे कि पिछली एग्जांपल में था तो रेप ये बन जाती है वन इज टू एट यहां दोनों रेशो सेम नहीं है रेशो वन और रेशन टू रेशो टू सेम नहीं है ये एक दूसरे के वन बाई सिक्सटीन इस टू वन बाई एट एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल हैं इसलिए इस तरीके से भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस प्रूव हो जाता है मुझे उम्मीद है आपको यह लॉ समझ आया होगा इन टू एग्जांपल्स से अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपके साथ डिस्कस करूंगा उसके बाद आप मैंने प्रैक्टिस आप के लिए भी आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं अब जैसे यह है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पीसीएल में 22.57 परसेंट फास्फोरस है फास्फीन जिसका फार्मूला पी एच थ्री है उसमें नाइन्टी वन पॉइंट एट वन एट परसेंट फास्फोरस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइन्टी सेवन पॉइंट टू थ्री परसेंट क्लोरीन है अब हमें इसमें क्या दिखाना है कि लाफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस इलेस्ट्रेट या प्रूव होता है या नहीं होता है तो मैंने पहले जैसे आपसे पहले कहा हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं फास्फोर यहाँ रखा मैंने क्लोरीन यहाँ एच यहाँ फास्फोरस का हम वेट वन ग्राम फिक्स कर लेते हैं एज पर द डेफिनेशन तो सबसे पहले फास्फोरस और क्लोरीन जब कंबाइन करते हैं तो पी थ्री बनेगा तो पी थ्री में एज पर द प्रॉब्लम सुपोज करते हैं तो परसेंटेज दी हुई है तो वेट ऑफ फास्फोरस अगर हंड्रेड ग्राम कंपाउंड है परसेंटेज का मामला है अगर फास्फोरस का वेट ट्वेंटी ग्राम है तो क्लोरिन का कितना होगा हंड्रेड में से माइनस करेंगे तो बन जाएगा 77.43 ग्राम इसी तरह अब हम क्या करेंगे पीसीएल3 में हम कैसे लिखेंगे कि 22.57 ग्राम ऑफ फास्फोरस कंबाइन विद क्लोरीन इक्वल टू तो 77.43 ग्राम अब हम देखेंगे वन ग्राम ऑफ फास्फोरस जो कि हमें फिक्स किया हुआ है एज पर द डेफिनेशन तो वन ग्राम ऑफ फास्फोरस कितनी क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है ये बन जाता है 3.43 ग्राम अब हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ जो कंबाइन करती है तो कंपाउंड बनता है पीएच थ्री तो उसमें एज पर द क्वेश्चन फास्फोरस का वेट है नाइन्टी वन पॉइंट वन एट जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है परसेंटेज इसका मतलब वेट ऑफ हाइड्रोजन कितनी बनी इस कंपाउंड में हंड्रेड माइनस नाइन्टी वन पॉइंट वन अब हम इस क्वेश्चन लिखेंगे 91.18 ग्राम ऑफ फास्फोरस कंबाइंड विद हाइड्रोजन कितनी 8.82 पॉइंट फिर वही चीज आ गई फास्फोरस का वेट वन ग्राम हमने फिक्स किया हम देखेंगे वन ग्राम फास्फोरस के साथ कितनी हाइड्रोजन कंबाइन कर रही है तो वन ग्राम ऑफ फास्फोरस कंबाइंड विद हाइड्रोजन इक्वल टू ये कैलकुलेट करके बनता है जीरो पॉइंट जीरो नाइन सेवन ग्राम्स अब इन दोनों वेट्स में थ्री पॉइंट फोर थ्री और जीरो पॉइंट जीरो नाइन सेवन ये दोनों वेट्स आ गए हाइड्रो और हाइड्रोजन के इनकी आपस में जो रेशो बनती है ठीक है इनकी आपस में ये रेशो बनती है 3.43 पॉइंट फोर थ्री बाई जीरो बनती है थर्टी फाइव पॉइंट थ्री सेवन इज टू वन अब हम एच सी एल लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो वेट ऑफ क्लोरीन कितना है 97.23 सेवन पॉइंट टू थ्री ग्राम्स एज पर द क्वेश्चन तो हाइड्रोजन का वेट बनता है टू पॉइंट सेवन सेवन ग्राम तो क्लोरीन और हाइड्रोजन की आपस में जो डायरेक्टली कंबाइन करने की रेशियो है वो थर्टी फाइव पॉइंट वन इज टू वन है दोनों रेशोस नियरली सेम है थर्टी फाइव पॉइंट थ्री सेवन इज टू वन थर्टी फाइव पॉइंट वन इज टू वन इन रेशोस को नियरली सेम माना जाएगा सो ये डाटा जो है ये रेसिप्रोकल लॉ प्रपोर्शन जो है लॉ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन को अगेन प्रूव करता है तो मुझे उम्मीद है आपको ये ला जिसमें मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स समझाया और एक नूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको मैंने एक्सप्लेन की कि कैसे सॉल्व करनी है तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा अब एक प्रॉब्लम आपके लिए मैंने आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करिएगा और कोई डिफिकल्टी आए तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एक ला रह गया है लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा थैंक यू वेरी मच